हत्या के आरोप झेल रहे सुशील कुमार पहलवान की मुश्किलें और बढ़ी। खेल मंत्रालय ने उनको अब नजरअंदाज कर दिया। ओलंपिक एंथम तक में सुशील कुमार पहलवान को शामिल नहीं किया गया। भारत के ओलंपिक इतिहास में केवल एक ही ऐसा खिलाड़ी है जिसे दो दो व्यक्तिगत मेडल हासिल हुए। हालांकि ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाले सुशील कुमार इन दिनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। उन पर एक जूनियर पहलवान की हत्या का आरोप लगा है। आरोप अब तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन इन आरोप ने उनकी साख पर जरूर दाग लगा दिया है। सालों की कमाई, उनकी इज्जत एक झटके में मिट्टी में मिल गई। आलम यह है कि उन्हें टोक्यो ओलंपिक के लिए बनाए गए खास एंथम में जगह ही नहीं दी गई। सुशील कुमार पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में फरार चल रहे थे। भारत के लिए दो बार ओलंपिक मेडल जीत चुके पूर्व विश्व चैंपियन पहलवान सुशील कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनकी सूचना देने वाले को 1,00,000 रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया था। और यही सब बात है जो सुशील कुमार को अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सुशील कुमार के इन आरोपों के बाद हर तरफ से आलोचना झेलनी पड़ी। जांच के चलने तक उन्हें रेलवे की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। उन पर लगे आरोप ही वजह है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए बनाए गए एंथम में सुशील कुमार पहलवान को जगह नहीं मिली। इस गाने को कुछ ही दिन पहले पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू की उपस्थिति में रिलीज किया गया था। इस गाने को गायक मोहित चौहान ने गाया है। गाने में वीडियो में देश के लिए ओलंपिक मेडल जीत चुके सभी खिलाड़ियों की झलक दिखी है। इस साल टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके लगभग सभी खिलाड़ी इस वीडियो में दिखाई दिए, लेकिन सुशील कुमार की एक तस्वीर भी इस पूरे वीडियो में शामिल नहीं की गई। इसके पीछे की वजह तो नहीं बताई गई है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसी वजह से उन्हें इस वीडियो में शामिल तक नहीं किया गया। एक पहलवान के लिए, वो भी इकलौते ओलंपिक पदक विजेता पहलवान के लिए, इस तरह का होना वाकई में काफी शर्मनाक है। आप इस खबर पर अपनी राय जरूर रखिएगा।